बच्चों तुम्हें टोस्ट चाहिए? हाँ मम्मी दीजिए। एली तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खाना पड़ेगा। दीजिए। मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा ना खाली पेट स्कूल नहीं जाते। चलो चलो ये वाला मेरे तुम्हारे टोस्ट पर जली लगा दूं? हाँ। अब दूध पियो। क्या कर रही हो ब्रेंडा? तुम मेरे कपड़े खराब मत करो। स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का बिली बेकर मेरे क्लास में है। वो भी फेल हो गया था। शराब। ये क्या हो रहा है? तुम जैसे कभी फेल हुई नहीं। स्कूल जाने का पहला दिन है। चलो 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 जी। तुमसे बदबू आ रही है। माँ जैसा आज नहाया नहीं है। आइंदा हमारे साथ खाना खाना हो तो नहा के आना। छोटी ये लो जूस। दीजिए। मेरे जूते किसने छिपाए? जैस वो जूते फट चुके थे इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। फेंक दिया? पर वो जूते तो क्या मुझे... करती? मैं किसी बच्चे को फटे हुए जूते पहनाकर स्कूल नहीं भेज सकती। इसीलिए ब्रेंडा के पुराने जूते तुम्हारे लिए निकाल दिए हैं। लेकिन ये लड़कियों के हैं। गाड़ी रिपेयर करने में कुछ ज्यादा ही पैसे लग गए। अब तुम्हें क्या हुआ? इसे अच्छी तरह स्कूल में रेस है आज तो? और जूते नहीं है। मैंने उसके लिए ब्रेंडा के जूते निकाल दिए। लेकिन ये लड़कियों के हैं, मैं इन्हें नहीं पहन सकता। तो पुराने जूते कौन से पहनने लायक थे? इसे नए जूते ला दो मेरी। वो बिली बेकर तुम्हें जरा देखो, अभी हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। वही जो तुमने सुना। कम से कम मैं अब पिटी नहीं इस काम चला। बगीचे का काम हो गया? होती तो कभी नहीं पहनती। नहीं अभी जा रहा हूँ। तुमसे बहन का कोई काम नहीं होता। बच्चे के लिए इतनी देर नहीं रुक सकता जैस। अपना खाना मुझे दे। दे मुझे। ये मेरा लंच है। अब दे दे। मस्ती बहुत हो गई। ये खैरात हमारी तरफ से है भोंदू बच्चे। तमीज से पेश आओ। तुम्हारा निशाना कमाल का। तुम अपने टीचर को क्या बुलाते हो? मुझे अलेक्जेंड्रा को बताना है। भयानक मुंह। अब जाओ। अलेक्जेंड्रा ये उसे भयानक मुंह बुलाता है। सुनाने तुमने जाओ। कुछ कायदे हैं इस क्लासरूम में। ना बातें, ना चुइंगम, ना इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। और ध्यान रहे अगर किसी ने इंटरनेट से देखकर ऐसे लिखा तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सब लोग कान खोलकर सुन लो। सभी अपना होमवर्क खुद करेंगे। चलो चलो ये नोट्स लिखो। जब भी कोई लल्लू दिखता है मेरे दिमाग के यंत्र से ऐसी आवाज निकलती है बीप बीप बीप। जेसी एरन्स, तुम्हारी बहनों की बदतमीजी बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी भी करूँगी। ये तुम पर भी लागू होता है। इसने मुझे लात मारी। तुम गए काम से। स्कॉट होगर और गैरी फल्चर, एक भी आवाज नहीं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे इनकी बेहुदा हरकत से पहले? ये तेरी बहन हाँ, के जूते तो है ना? क्या बात कर रहे? शायद तू अपनी बहन का स्कर्ट भी पहनता होगा। वो तुमसे ही कह रहा है लल्लू कहीं के। गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी बीती होंगी। मिसेस मायर्स, ये है लेस्ली बर्क, इस क्लास की नई स्टूडेंट। लेस्ली तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया प्रिंसिपल टर्नर। हाँ ठीक है लेस्ली, आज तो तुम यहाँ मेरी जगह पर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ बैठना है। ठीक है। नए साल की शुरुआत थोड़ी मजेदार होनी चाहिए। तुम सब अपने पसंदीदा शौक पर एक पेज का ऐसे लिखोगे। बोलो। मिसेस मायर्स, आपने कहा एक पेज, तो हमें क्या पेज के दोनों तरफ लिखना पड़ेगा? तुम्हें एक ही तरफ लिखना है। मैं पेज के दोनों तरफ लिखू?